तो रेलवे अप्रेंटिस ने जो बवाल मचा रखा था वो हड़ताल खत्म हो गई है, उनकी एक बड़ी मांग है। पीयूष गोयल उनसे बात करें, वो मांग नहीं मानी गई है, मगर रेलवे अब उनसे बात करेगी। मांग वही बदस्तूर बनी हुई है। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, मीम अफजल, क्या यह बता रहा है कि नौकरियों को लेकर एक बड़ा संकट इस देश में है और संभवतः मोदी सरकार उससे मुंह मोड़ रही है? देखिए, ये तो शुरू से हो रहा है और मैं अभी सर आपके देखने वालों को और सुनने वालों को एक बहुत ही अहम इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अभी पार्लियामेंट के अंदर इनके एक सीनियर वजीर, जो बहुत ही सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, भारतीय जनता पार्टी के, संतोष कुमार गंगवार जी, उन्होंने पुष्टि की है इस बात की कि सरकार ने नौकरियों को लेकर के कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है। इसका मतलब, ये बहुत बड़ी खबर है, इसका मतलब है कि संतोष कुमार गंगवार जी ने प्राइम मिनिस्टर के उस दावे को खारिज किया है, उसको डिनाई किया है जो उन्होंने देश से किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार जो है वो दिए जाएंगे। नहीं, नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सरकार ने आने के बाद बहुत त्वरित जवाब, साल तक सिर्फ 10 सेकंड आपके बिल्कुल पास, मुझे ब्रेक में जाना दी और उसका नतीजा आप देख रहे हैं सब जगह क्या हो रहा है। कोई मैं सिर्फ स्वरोजगार की बात की है, हम स्वरोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, ये सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं सर। ये टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई आपने पहले नहीं कहा था, रोजगार दे रहे हैं। जब मोदी जी ने ऐलान किया था 2 करोड़ नौकरियों की बात, तब आपने नहीं कहा था शर्तें लागू नहीं। ये तो वही बात हो गई, एक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर दो और बहुत नीचे महीन अक्षरों में लिख दो शर्तें लागू। रोजगार अगर दोनों को देखेंगे तो स्वरोजगार बहुत ज्यादा है। चलिए चलिए, आप खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं, हम आपको बता दें बड़ी खबर, 11 बजे की अविश्वास प्रस्ताव लाने का फिर प्रयास होगा और एबीपी न्यूज की पैनी निगाह उस पर बनी हुई है। आज की बड़ी खबर, हर उस खबर पर निगाह जिसका सीधा सरोकार आम इंसान के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।